राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं आम का अचार। तो यहाँ पर देखिए, आम का अचार बनाना कितना आसान है और इसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बिना सिरका के आम का अचार बनाया है और इसे हम एक साल तक भी स्टोर करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आम का अचार सबको पसंद आता है, खास करके हमारे हस्बैंड जी बहुत पसंद से खाते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने आम लेकर आए हैं मार्केट से और ये आम को कट कर रहे हैं। तो ये सभी लोग मिलकर हमारी खूब मदद की है अचार बनाने में। तो यहाँ पर ये आम 5 किलो लेकर आए हैं और ये मंडी से कटवाए नहीं है, तो ये खुद ही घर पे इसे काट रहे हैं और ये हमारे मदद भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सारे आम कट गए हैं और ये बेटी है हमारी, ये सारी आम की जो बीज होती है उसको निकाल रही है। तो ये सभी लोग मिलकर हमारा खूब मदद किए हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरी सासू माँ है, आम को धुल करके धूप में डाल दी हैं। ये अब 2 से 1.5 घंटे में ये सूख जाएगा अचार आम, तो हम इसका अचार बनाएंगे। तो चलिए, अचार में तेल डालने के लिए हम यहाँ पे पहले तेल को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम अभी तेल लिए हैं, इसे हम धुआं आने तक गर्म कर लिए हैं। इसमें 1 चम्मच भर के हींग डाल दिए हैं, गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आम बिल्कुल सूख गया है, ये एकदम ड्राई हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मसाला मिलाएंगे। तो अब हमारी बारी है सारा कुछ करने का। तो यहाँ पे हम हल्दी डाल देंगे। तो हल्दी की क्वांटिटी हम 1.5 चम्मच रखे हैं, ये 5 किलो आम की क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम हल्दी डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक तो अधिक ही जाता है आम के अचार में, क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है। तो यहाँ पे हम 7 से 8 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें नमक थोड़ा एक्स्ट्रा चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लगभग सारे नमक डाल दिए हैं और यहाँ पे अब हम डालेंगे पचफोरन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हम पचफोरन डाले हैं, इससे अचार की जो खुशबू है और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम 1.5-2 चम्मच भर करके पचफोरन ले लिए हैं। पचफोरन में सभी चीज़ होती है। ये कलौजी डाल दिए हैं 1/2 चम्मच, क्योंकि पचफोरन में भी कलौजी होता है, इसलिए जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं कलौजी को, इसलिए हम कम ही डाले हैं। और ये 1 चम्मच भर करके हम अजवाइन डाल दिए हैं, 1 से 1.5 चम्मच हम अजवाइन डाले हैं। अजवाइन से डाइजेशन भी बढ़िया रहता है और इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। तो चलिए, अब इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 2.5 से 3 चम्मच डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें मिर्च डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें जो अचार का मेन मसाला होता है, सरसों पाउडर। तो ये सरसों का पाउडर है, इसको हम खड़े साबुत सरसों को पीस लिए हैं। अगर आपको पीली सरसों मिले तो आप उसे भी डाल सकते हैं, ये हम काली वाली सरसों डाले हैं। और ये तीखी लाल मिर्च, इसे भी हम मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं साबुत मिर्च को और इसे डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हम गैस पे तवा रख दिए हैं और कुछ मसाले हम थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ी सी काली मिर्च ले लिए हैं, ये साबुत धनिया 1-1.5 चम्मच, ये सौंफ है 1-1.5 चम्मच। सौंफ हमने पचफोरन में भी डाली थी, इसलिए थोड़ा ही लिए हैं। और ये जीरा है, तो इन सबको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है, बस एक सौंधी सी महक आ जाए इसमें, इतने ही देर तक हमें इसे भुनना है। तो चलिए, बस इसे हम भून लिए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा सा ग्राइंड करना है इसको हमें, और इससे क्या होगा कि अचार में बहुत बढ़िया खुशबू आएगा और खाने में टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम मसाले को पीस लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे काला नमक। तो यहाँ पर हम 1.5 चम्मच काला नमक डाले हैं, इससे भी अचार का टेस्ट बढ़िया आता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। और ये जो मसाला हम पीसे थे, इसे भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अचार बनाना बहुत आसान है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। और यहाँ पर देखिए, हम ये गुड़ ले लिए हैं क्रश करके। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे अचार का खट्टापन
खट्टापन है वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, और इसमें हम सिरका का यूज नहीं किए हैं, तो ये सिरका का भी काम करता है, अचार खराब नहीं होने देता है। और इसके बाद देखिए तेल हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ये एकदम ठंडा हो गया है। जब तेल एकदम ठंडा हो जाए तब भी आप अचार में डालिए। तो हम सारे तेल को अचार में डाल दिए हैं, तेल अगर कम पड़ेगा तो फिर से हम गरम करा गरम करके सकते इसमें हैं। डाल सकते हैं। तो अब हम इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अचार बहुत आसानी से बन जाता है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए। आप मार्केट से अचार लाना छोड़िए, क्योंकि मार्केट के अचार में केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इस तरह से घर में अचार बना करके स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये देखिए हम अचार के सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इन्हें धूप में रखेंगे, तो धूप में हमें 2 से 3 दिन रखना पड़ता है। तो चलिए इसे हम धूप में ढक करके अच्छे से रख देते हैं। इसके बाद हम इसको जार में भर देंगे शीशे के। तो आप शीशे के जार में भरेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाएगी, और अचार आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जार को भी अच्छे से सुखा लिए हैं धूप में। अगर अचार की जार अच्छे से सूखी नहीं रहेगी तो वो खराब होने का चांस रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम धूप में इसे दिखा लिए हैं, लगभग 5 से 6 घंटे तक हम धूप में दिखाए हैं। अब चलिए इसे हम जार में भर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए अचार का कलर कितना बढ़िया लग रहा है। आप भी इसे बनाइए और अपने सभी फैमिली मेंबर्स को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। आम के अचार ज़्यादातर सभी घरों में ज़्यादा खाया जाता है, और इसको सभी लोग पसंद भी करते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, तो ये एक ही सीजन में बनाया जाता है, बस गर्मियों में ही इसे बनाया जाता है। देखिए वैसे तो हम सारे अचार बनाते हैं, लेकिन आम का अचार हम जरूर ही बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम अचार को जार में भर देते हैं। तो हमने आपसे बोला था कि इसे 5 से 6 दिन तक धूप में रखना है, तो हमें इसको जार में भर के 5 से 6 दिन तक धूप में रखना है। ये जो बड़े से परात में हमने रखी थी उस तरीके से नहीं रखना है, नहीं तो अचार क्या होगा कि एकदम सूख जाएगा और ये अच्छा नहीं बनेगा। तो हमको जार में भर के 5 से 6 दिन तक धूप दिखाना है, ताकि अचार अच्छे से गल जाए, और इसका ढक्कन बंद रखना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा आम का अचार बन करके रेडी हो गया है। तो इसे हम देखिए ये थोड़ा सा अधिक हो गया था, इसलिए हम इसको एक छोटे से जार में भर लेते हैं। ये गलेगा तो वापस से हम इसको इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अभी ये गला नहीं है इसलिए ये ऊपर तक भर गया है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, इसे 1 साल तक स्टोर करके रखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे भी सपोर्ट करिए। वीडियो आप एंड तक देखे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।